ये जो लैपटॉप है हमारे पास आया हुआ है डेल इंस्पायर 15 सीरीज का लैपटॉप है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये था कि इसका जो स्टैंड बाय आईसी है वो जला हुआ था। अब देख सकते हैं इसका ट्रैक भी जो है जला हुआ है। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं इमेज भी भेज दूँगा, इमेज में दिखाऊँगा माइक्रोस्कोप से लेके। इसका जो ये ट्रैक है यहाँ पे जला हुआ था, ये जो ट्रैक है यहाँ पे ये जला हुआ था। तो मैंने इस पर आईसी लगाने की कोशिश किया, बट इसमें आईसी ये दो लेग जो है इसका जला हुआ था, इसके वजह से ये बैठा नहीं पाया। तो लास्टली मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसमें दो बक कंट्रोलर का यूज़ किया, एक 3.3 के लिए और एक 5 वोल्ट के लिए। ये 3.3 है और ये 5 वोल्ट के लिए मैंने इसको लगाया और जम्पर वाइज इसको पूरा सेटिंग किया, इनेबल के साथ पावर गुड और प्लस इसका इन वोल्टेज आउट मैंने टोटली इसमें कनेक्ट करके मैं इसको रेडी किया। तो अब हम इसको जो है एक बार टेस्टिंग करने के लिए देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। मैंने ये लगा दिया डीसी जैक, अब देख सकते हैं। और मेरा जो डीसी मशीन है इसमें आपका 0.07 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है। अब इसको मैं जो हूँ अभी ऑन करके मैं देखता हूँ ये आता है या नहीं। डिस्प्ले भी लगा हुआ है, ये इसका कनेक्टर यहाँ पे, मैं इसको ऑन करने वाला हूँ अभी। देखते पे फैन चल गया और ये मेरा डिस्प्ले भी आ गया। तो इस तरह के काम हम लोग करते हैं ताकि कस्टमर को जो है किसी तरह हम लोग का ये मतलब कोशिश रहता है कि उसका काम हो जाए। नॉर्मली ये अगर दूसरे जगह जाता तो मे भी रिजेक्ट कर दिया जाता, पर हमने ट्राई किया और ट्राई किया तो ये सक्सेस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh.